देखिए, भगवान राम को हिंदू धर्म मानने वाले लोग भगवान राम की पूजा करते हैं। अब भगवान राम की गुरु आपके विश्वामित्र जी, तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की भी देश में प्रदेश में चर्चा होनी चाहिए। तो गाजीपुर का नाम बदल करके विश्वामित्र नगर रखने के लिए पत्र एक मुख्यमंत्री को दिया। दूसरा पत्र है जो देश को गुलाम होने से, देश की एकता अखंडता को, देश के को एकता अखंडता को कायम रखने के लिए जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारी को निस्तनाबूद कर दिया, नानपारा मैदान बहराइच आज भी है, ऐसे राजा का देश के इतिहासकारों ने नाम नहीं लिखा। तो हमारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा हूं कि बहराइच का नाम बदल करके राजभर महाराजा सुहेलदेव नगर उसको रखा जाए। सर, जब आप बीजेपी में थे तब आपको पत्र, अभी देख 2017 से लेके मैं इस पत्र को लिख रहा हूं, आज 2023 है, 2017 से हम कम से कम 4 पत्र लिख चुके इसको। सर, अभी 2024 को लेकर सर क्या तैयारियां हैं, क्या आप बीजेपी की तरफ? देखिए, हम जो आदि आबादी महिलाओं की है, हम महिलाओं को लेकर के मंडलवार महिला हक अधिकार महारैली का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमको बड़े पैमाने पर सफलता मिल रही है। वो अपने हक के लिए तैयार हैं, पार्टी के झंडा बैनर के साथ खड़े होकर के अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार हैं। और जो वंचित समाज है उनके बीच में हमने जाकर के 1 महीना सावधान रथ यात्रा के माध्यम से उनके भी बीच में जाके देखा कि बड़े पैमाने पर लोगों का स्नेह प्यार मिला। अभी हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। अभी जैसे एक मामला गरमाया हुआ है, 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में 2 महीने में उत्तर प्रदेश सरकार शामिल करे, लेकिन धीरे धीरे साल भर होने जा रहा है, अभी तक सरकार उस पर कोई पहल नहीं की। मैं विधानसभा में भी इस बात को उठाया, हर मीटिंगों में इस बात को कहता हूँ, और जल्द ही इन्वेस्टर समिट खत्म होने के तुरंत बाद ही मैं इस बात को लेकर मुख्यमंत्री से फिर मिलूंगा कि भाई ये प्रस्ताव आप दिल्ली भेजो फिर, ताकि दिल्ली चुनाव के पहले दबाव बने कि भाई इसको लागू किया जाए। तो प्रयास हमारा यही है। आपके पत्र लिखने पर समाज को करीब आ रहा है और राजभर जी भी कंपनी बन के काम कर रहे हैं। जब अखिलेश यादव जी गुलदस्ता भेंट करने जाते हैं तब कौन सी टीम बनते हैं? तब तो ये तो नहीं बताएंगे लोग। समाजवादी पार्टी के लोगों को ये बताना चाहिए कि जब अखिलेश यादव जी गुलदस्ता लेके चुपके चुपके चले जाते हैं और योगी जी से मिलके चले आते हैं, तब कौन सी टीम बन के जाते हैं? हम तो ओपन रहते हैं, जो कहना है मुख पे कहते हैं। और समाजवादी पार्टी को दर्द अगर है तो सरकार में थे तो प्रमोशन में आरक्षण क्यों खत्म किया? लाखों लोग नौकरी चली गई। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको दिया जाए, तब नहीं दिखाई दिया? तब तो समाजवादी पार्टी को खाली एक जाति दिखाई दे रही थी, उनके साथ जुल्हा दुनिया सारी साई दर्जी फकीर थे वो भी नहीं दिखाई दे रहे थे, जो उनकी सरकार बनाने में 1 नंबर का योगदान रहता है। लखनऊ का भी नाम बदलकर जिन साथी ने मांग किया है, वो उन्होंने उनकी विचार उनकी सोच सही है, वो भी मांग कर रहे, अच्छी बात है। सबकी बात हो रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य भी लगातार आप पर सवाल भी खड़े किए हैं। कल उन्होंने ये कहा कि 2 दिन की राजनीति हुई आपकी, 40 साल उन्होंने गुजारे हैं, 40 साल में सत्ता के लोलुप्त रहे, 4 बार बहुजन समाज पार्टी में मंत्री थे, तब ये चौपाई ये दोहा महिलाओं का अपमान, पिछड़ों का अपमान, दलितों का अपमान नहीं दिखाई दिया? जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते देखा तो जिस रामायण की, जिस रामचरितमानस की बात करते हैं आज, जिस राम की बात करते हैं, उसी में रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए। और अगर मर्द थे तो जब गए तो प्रधानमंत्री से जाके कहते, गृहमंत्री से जाके कहते, मुख्यमंत्री से कहते कि हम आपकी पार्टी से तब चुनाव लड़ेंगे
हम आपकी पार्टी से अपनी बेटी को सांसद का चुनाव तब लड़ाएंगे जब इस चौपाई से महिलाओं का अपमान हो रहा है, इस चौपाई से पिछड़े दलित का अपमान हो, इसको हटाओ तब हम लड़ूंगा, तब मैं मानता की मर्दई थी आपकी। लेकिन आप 5 साल बेटी को सांसद बना लिया, अपने मंत्री बन गए, मलाई काटे, राम राम जपना, पिछड़ों का हक लुटवाना, तब तो यही करते रहे। आज बुरा लग रहा है, 40 साल में आपने किया क्या? किस नाई गुण पाल प्रजापति कुमार धोबी धरकार पासी आरा कर बंसी बंजारा बेलिया खंगार राजभर चौहान को आपने कब उनको ऊपर उठाने की बात किया? कभी हिम्मत पड़ी? ये सत्ता के लोलुप्त तो लोग हैं, जब सत्ता बीजेपी की सोचा कि चली जाएगी तो सपा में चले गए, वहां सरकार नहीं बनी। उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा है और इन चौपाइयों को, कई चौपाइयां हैं जिन्हें हटाने की बात कही है। मैं फिर कह रहा हूं, जब ये प्रधानमंत्री से मिले, रामम शरणम गच्छामी में हुए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, तब इनको इस चौपाई को लेकर के प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मिले? उस समय तो मिले तो खाली टिकट वाला लौकत रहा कि बेटी को टिकट खाली मिल जाए, हमको टिकट मिल जाए, हम मंत्री बन जाए। तब उस समय पिछड़े दलित का अपमान नहीं दिखाई दिया? तब महिलाओं का अपमान नहीं दिखाई दिया? तब इस बात को उन्होंने वहां क्यों नहीं कहा? इस बात को उनको कहना चाहिए था। पत्र लिखने से नहीं मतलब है, जब आप मिले तो आपने क्यों नहीं कहा? सवाल ओम प्रकाश राजभर का है। आप 40 साल से राजनीति करते हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर 4 दिन की राजनीति में जो चीज कह रहा, अगर मेरी बात अगर गलत हो तो राजनीति छोड़ दूंगा। आप मिले टिकट मांगे खाली अपना, मिले आपने सिर्फ अपने मंत्री पद की बात किया, आपने महिलाओं के अपमान की बात, उस चौपाई की बात नहीं किया वहां। आज पत्र लिख रहे हैं, सत्ता से बेदखल हुए लोग, घबराए हुए लोग हैं कि कैसे सत्ता मिलेगी। सर अंतिम सवाल, स्वागत है, वो उनका विचार है, वो कह रहे हैं कि जो लोग आना चाहें, जो लोग आना चाहें वो जाएं। आपका क्या विचार है? अभी तो हम जो वंचित और शोषित लोग हैं, जो आधी आबादी है महिलाओं की, हम उन्हीं के बीच में उन संगठन का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।